हेलो एवरीवन इस वीडियो में हम क्लास सिक्स सब्जेक्ट साइंस की असेसमेंट वर्कशीट टू करेंगे डेट है इसकी वन सितंबर 2021 और इस असेसमेंट को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए तो देखिए ये आपका असेसमेंट है यानी एक तरीके से टेस्ट की तरह है तो ट्राई कीजिए इसको आप खुद से ही सॉल्व करें ओके और ये सब आपने वर्कशीट में पढ़ा हुआ है मैंने आपको सब समझा रखा है तो ये बहुत इजीली आपसे सॉल्व हो जाएगा और बहुत इजी क्वेश्चंस दे रखे हैं तो उससे पहले असेसमेंट uh, को शुरू करने से पहले हम इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं जो दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर वन टू सिक्स आर शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन कैरिंग टू मार्क्स ईच क्वेश्चन नंबर वन से लेकर छह तक के जितने भी प्रश्न हैं वन से लेकर छह तक के वो छोटे प्रश्न हैं यानी शॉर्ट उसमें आपको आंसर देने हैं क्वेश्चन के छोटे आंसर देने हैं तो इनमें जो है हर एक क्वेश्चन दो मार्क्स का लगेगा इसमें हर एक क्वेश्चन आपका दो मार्क्स का है और क्वेश्चन नंबर सात से लेकर आठ तक के जो क्वेश्चन नंबर सात है वो तीन मार्क्स का है और जो क्वेश्चन नंबर आठ है वो पांच मार्क्स का है ठीक है और आठ ही आपके प्रश्न हैं ठीक है ठीके? तो एट आपके क्वेश्चन रहेंगे और सबसे पहला है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन क्वेश्चन वन विश विटामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग वट आर इट्स मेन सोर्सेज तो पूछा गया है कौन सा विटामिन जो हमारी हड्डियाँ और दांत होते हैं उनको मजबूत बनाता है और उस विटामिन के आपको स्रोत यानी मेन सोर्सेस बताने हैं तो देखिए हमारा कौन सा विटामिन है जो हमारी बोन्स और टीथ को स्ट्रोंग बताता है विटामिन डी ठीक है आप ऐसे भी लिख सकते हैं विटामिन डी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग बोन्स एंड टीथ स्ट्रांग यहां तक आप लोग लिख सकते हैं अगर आपको लॉन्ग लिखना है वैसे शॉर्ट पूछा है शॉर्ट क्वेश्चन है तो आप विटामिन डी ही लिखिए ओनली वाट आर इट्स मेन सोर्सेज उसके मेन सोर्सेस कौन से हैं तो मेन सोर्सेज आर कौन कौन से मिल्क है बटर है एक्सपोजर टू सनलाइट यानी जो सूरज की किरणें हैं उसके सामने अगर आप रहेंगे तो आपको विटामिन डी मिलेगा तो मिल्क बटर और एक्सपोजर टू सनलाइट ये इसके जो है, sources हैं सोर्सेज हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड विच विटामिन हेल्प्स इन कीपिंग टीथ एंड गम्स हेल्थी वाट आर इट्स मेन सोर्सेज तो कौन सा विटामिन हमारे जो दाँत और मसूड़े होते हैं उनको स्वस्थ रखता है और कौन से इसके मेन सोर्सेज हैं मतलब श्रोते हैं तो देखो कौन सा विटामिन होता है टीथ और गम्स हेल्थी रखने के लिए विटामिन सी होता है विटामिन सी हमारे दांत और मसूड़ों को एकदम हेल्थी रखता है और इसके मेन सोर्सेज पूछे हैं श्रोते पूछे हैं तो यहाँ पर इट्स मेन सोर्सेज आर उसके मेन सोर्सेज हैं लेमन ऑरेंज आंवला आमलावाबा और टोमेटो यानी इन सब से हमें विटामिन सी मिलता है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्री ऐसा कौन सा मिनरल है जो हमारे बॉडी में रक्त यानी खून बनाता है और इस मिनरल के कौन कौन से सोर्सेज है यानी ये मिनरल हमें किन किन खानों से मिलता है किन किन चीजों से मिलता है तो देखिये बहुत आसान है ये भी हम वर्कशीट में पढ़ चुके हैं आयरन है आयरन मिनरल हेल्प इन मेकिंग ब्लड इन अवर बॉडी बॉडी में ब्लड बनाने के लिए आयरन यूज uh, होता है मतलब आयरन मिनरल ही बॉडी में ब्लड बनाता है और आयरन के जो सोर्सेज हैं वो हैं बीन्स सच एज रेड किडनी बीन्स इजामा में बीन्स और चिकपीज और नट्स ठीक है इतने सारे ना लिख के आप इसको कट कर दीजिए मतलब दो तीन लिख सकते हैं क्योंकि शॉर्ट आंसर टाइप है ये क्वेश्चन ओके okay? तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट होता है क्वेश्चन फोर देखिए व्हाट आर द मिनरल्स प्रेजेंट इन मिल्क एंड ग्रीन वेजिटेबल्स व्हाट आर इट्स मेन फंक्शन तो कौन से मिनरल आपको मिल्क और हरी सब्जियों में देखने को मिलते हैं मिनरल्स के नाम लिखने हैं आपको और उनकी फंक्शन लिखने हैं ठीक है तो देखो मिल्क एंड लीफी वेजिटेबल्स मिल्क एंड लीफी वेजिटेबल्स आर प्रेजेंट इन कैल्शियम मिनरल मिल्क और जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं उनके अंदर कैल्शियम और मिनरल होता है इट्स मेन फंक्शन इज टू हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ एंड टू क्लॉट तो मेन फंक्शन उनका क्या है जिससे जो हड्डियां हैं वो फॉर्मेशन यानी वो मजबूत हो सके जमाने में मदद करती हैं ठीक है ठेके? तो ये इसके फंक्शन है अब क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव द ब्लैंक है ए अवर बॉडी प्रिपेयर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एक तरीके से फिल इन द ब्लैंक टाइप ही है आपको विटामिन बताना है नेम द विटामिन दैट एक ऐसा विटामिन जो कि हमारी बॉडी को सूरज की किरणों से मिलता है तो ये है विटामिन डी विटामिन डी हमें सूरज की किरणों से मिलता है गम हमारे मसूडों को स्वस्थ रखने वाला हेल्थी रखने वाला विटामिन है विटामिन सी तो ये इसके आंसर हो जाएंगे राइट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स व्हाट आर द मेन रोल ऑफ वाटर इन अवर बॉडी पानी का हमारे शरीर में क्या रोल है क्या उसका कर्तव्य है एक तरीके से वो क्यों हमारे लिए जरूरी है तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स है तो so, क्यों जरूरी है वी गेट न्यूट्रिएंट्स थ्रू वाटर इट हेल्प्स इन फ्लशिंग आउट द बैड एलिमेंट्स फ्रॉम द बॉडी एज वेल एज रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर इट ऑल्सो मेंटेन सॉफ्टनेस ऑफ ज्वाइंट्स इन एडिशन वी ऑल्सो कीप वाटर आउट ऑफ द बॉडी थ्रू स्वेट यूरिन एंड ब्रीथ एंड लास्ट में आएगा फुल स्टॉप ठीक है सबके लास्ट में फुल स्टॉप है तो देखिए हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं पानी से और पानी हमारे बॉडी में से जो बेड एलिमेंट्स होते हैं वेस्ट होता है उसको निकालता है और साथ साथ बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखता है और जो जॉइंट्स होते हैं जोड़ जोड़े होते हैं उनकी भी सॉफ्टनेस बरकरार रखता है इन एडिनेस इन एडिशन जो वाटर है वो क्या करता है हम वाटर को निकाल लेते हैं पसीने के थ्रू यूरिन के थ्रू और सांस लेते वक्त तो ये जो पानी है वो हम निकाल देते हैं पसीने के थ्रू यूरिन और सांस लेते वक्त ठीक है तो ये हो जाएगा क्वेश्चन सिक्स का आंसर नेक्स्ट देखते हैं कंप्लीट द टेबल यहाँ पर आपको टेबल कंप्लीट करनी है क्वेश्चन सेवन में और ये क्वेश्चन आपका थ्री मार्क्स का है तो इसको अच्छी तरीके से कंप्लीट करेंगे विटामिन और मिनरल यहाँ पर आपको लिखने हैं उनके सोर्स लिखने हैं और उनसे अगर उनकी कमी हो जाए हमारे शरीर में तो कौन से डिसीज कौन सी बीमारी हमें लग जाती है तो देखो विटामिन यहाँ पर आपको बता रखा है डिफिशियंसी डिसीज लिख रखी है देखो ये जो रेड रेड में लिखा है ना ये आपके आंसर्स हैं ये मैंने लिखे हैं सारे आंसर्स जो रेड रेड में लिखे हैं वो सारे आंसर्स हैं तो इनको भी आप आंसर के तौर पे लिखेंगे ठीक है तो यहाँ पर आपको रिकेट्स दे रखा है और यहाँ आपको विटामिन और सोर्स बताना है तो देखो रिकेट्स रिकेट्स की जो बीमारी होती है वो विटामिन डी की कमी से हो जाती है यहाँ विटामिन डी लिखेंगे और विटामिन डी हमें किस किस से मिलता है एक्सपोजर टू मिल्क बटर सनलाइट और यहाँ पर हमें एक्सपोशर टू नहीं आएगा यहाँ पर इसको काट लीजिए आप मिल्क बटर सनलाइट ठीक है इन तीनों से हमें क्या मिलता है विटामिन मिलता है विटामिन डी उसके बाद आयरन आयरन का कौन कौन सा सोर्स है लीवर मीट ग्रीन वेजिटेबल्स ये सारे आयरन्स देते हैं आयरन इनके अंदर होता है और इससे जो डिफिशेंसी डिसीज होती है वो होती है अनैमिया नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट देखो यहाँ पर आपको बता रखा है सोर्स ऑरेंज लेमन ऑरेंज लेमन किसके सोर्स हैं? और लेमन विटामिन सी के सोर्स हैं। विटामिन सी आएगा और विटामिन सी की कमी से हमें स्कर्वी हो जाता है यहाँ स्कर्वी लिखेंगे ठीक है तो यहां पर आपका क्वेश्चन सेवन हो जाता है कंप्लीट यहां आपका एक और क्वेश्चन है पीछे ओके क्वेश्चन नंबर एट इन द ब्लैंक्स यहाँ आपको

कॉन्स्टिपेशन वी शुड ईट जो कब्ज़ कब्ज होता है कब्ज से छुटकारा पाने के लिए हमें क्या खाना चाहिए फाइबर लाइक पल्सेस एंड मूंग मूँग दाल तो हमें फाइबर वाली चीज़ें खानी चाहिए जैसे पल्सेस हो गए मूंग की दाल हो गई और और आप फ्रूट्स लिख सकते हैं यहाँ पर फ्रूट्स ग्रीन वेजिटेबल्स ठीक है तो ये भी लिख दीजिए ये भी काफ़ी है नेक्स्ट है मिर्क डज नॉट कंटेन विटामिन एक ऐसा विटामिन जो कि दूध के अंदर नहीं पाया जाता ये है विटामिन सी ओके अवर असेसमेंट इज फिनिश्ड आई होप आपको समझ आया होगा अगर आया तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब अवर चैनल थैंक यू